समाज सेवक को दी प्राथमिकता। जी हाँ, खबर है यूपी के गोंडा जिले के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत भटवालिया ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान विजय प्रकाश मिश्रा जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने ग्राम सभा को विजयी होने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जब 5 वर्ष पूर्व मैं प्रधान था तो मैंने ग्राम सभा में अनेकों कार्य किया, सारी सड़कों को पक्की सड़क में परिवर्तित किया, इंदिरा आवास कई लोगों तक पहुँचाया, नालियों की जल निकासी का उचित प्रबंध किया, यूँ असहाय की हर प्रकार से मदद की, जो कि हमारा कर्तव्य था। साथ ही साथ वहां के कोटेदार सोनिका तिवारी ने मेडिकल लगाकर मई माह का राशन किसी भी ग्रामवासी को नहीं दिया गया। प्रधान जी का यह कहना है कि यहां जांच का विषय है, कोटेदार द्वारा जो फर्जी मेडिकल लगाया गया जिसकी जांच होनी चाहिए। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा कन्हैया शर्मा की यह रिपोर्ट। मैं बस 95 से प्रधान था, उसके बाद 2000 में हमारी जीत निश्चित थी, उसके बाद अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रधान थे, जिसका भी मैंने ही प्रतिनिधित्व किया, प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। गांव में काफ़ी विकास किया, गांव में जितने मजरे हैं सबको पक्की सड़कों से जोड़ना, नाली खरेंजे, इंदिरा आवास, मतलब कोई ऐसी योजना नहीं, भी सारी योजनाओं से हमने संतुष्ट कर रखा। अच्छा, विगत चुनाव में अगले वर्ष वाले चुनाव में मुझे 7 वर्ष रूप से हार हो गई थी, जिसमें इस 5 साल में गाँव के हमारे विकास काफ़ी धीमी गति से हुआ, सारा विकास हो गया। आपके विपक्षी में जो वोट लड़ रहे थे वो कितने लोग कम से कम वोट लड़ रहे थे यहाँ पर? 7-8 लोग लड़ रहे थे चुनाव। अच्छा, कितने वोटों से आप विजयी हुए हैं अपने? 130 वोट से लगभग। अच्छा, तो ये बताइए कि ग्राम सभा में आपने मतलब पूर्व प्रधान आप रह चुके हैं, इससे पहले भी 5 साल पहले भी, तो आपने भी मतलब कई कार्य ऐसे करवाए होंगे, रोड संबंधित कार्य और जनता की सेवा भी कितने किया होगा, तो क्या कमियां थी जो मतलब जो बीते हुए जो वर्ष थे 5 साल, तो उसमें कुछ उपलब्धियां नहीं हो पाई, जो अगले प्रधान थे वो काम नहीं कर पाए जो आपने किया है वो काम पिछले 5 वर्षों पहले, तो मतलब क्या ऐसे काम आपने छाप छोड़ी है गांव ग्राम सभा में, तो आपको इस बार भारी मतों से आपने विजय प्राप्त हुआ है? देखिए भैया, ऐसा है कि सहयोग से, जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से और बड़े जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी काफ़ी कार्य मैंने अपने गांव में कराए थे। अच्छा, जिसका लाभ मुझे मिला वो विगत 5 वर्षों में संभव नहीं हो पाया। विगत 5 वर्ष में केवल जो ग्राम पंचायत स्तर के ही कार्य थे उसी में से ही उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम करा पाए, बाकी नहीं किए। अच्छा, इसलिए जो है मेरी छवि अच्छी थी, वो छवि अच्छी हमारी मानी गई, जिसका फल रिजल्ट आपके सामने। आपकी भटवलिया ग्राम सभा में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो आप उसको दूर करेंगे? परेशानियां कुछ छुटपुट बची हैं जो उसको तो हम दूर करेंगे ही। अच्छा, पूरी कोशिश हमारी रहेगी उसको दूर करेंगे। वर्तमान समय में मेरे प्रधान जीतने के बाद जो विकट समस्या आई, नई समस्या आई, वो समस्या ये आई कि तुरंत हमारे गाँव के एक कोटेदार हैं, उन्होंने अपना मेडिकल लगा दिया जैसे मैं चुनाव जीता। अच्छा, मेडिकल लगाए उन्होंने चुपके से मेडिकल लगा दिया, मेडिकल लगाने के बाद गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर हमारी दुकान को जाके अटैच करा दिया, जिससे उनको कूट निरीक्षक का भी साठ गांठ रहता, तो वो अटैच करा दिए, जिससे हमारा मई माह का जो नगद मूल्य पे गल्ला बटना था वो गल्ला हमारा लेस हो गया। ये मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इसकी जाँच कराई जाए कि वो कैसे हमारा गल्ला लेस हुआ, क्यों नहीं पूरे ग्राम सभा का गल्ला वो दिक्कत में पड़ गया, पूरा ग्राम सभा का गल्ला किसी को नहीं मिला भाई। अच्छा, नहीं मिला? नहीं मिला भाई, बाका जो नगद मूल्य के। अच्छा, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इसकी प्रकरण की जांच हो और कोटेदार ने जो फर्जी मेडिकल लगा रखा है उसकी भी जांच हो कि वो सब वास्तव में बीमार हैं कि फर्जी मेडिकल लगा मतलब करके गांव के जनता को परेशान कर। कोरोना काल चल रहा था उसी बीच में ये घटना मतलब हुई है पूरी? बिल्कुल, जल्जलात कोरोना काल लॉकडाउन में गांव के लोग भूखों जब बंदे के कगार पे थे, राशन नहीं था, जो गरीब तबके के लोग थे उनको किसी को राशन नहीं। तो वैसे आपने प्रधान जब आप नहीं थे तब भी आपने बहुत विकास कार्य किया है, तो आपने कुछ ऐसा सपोर्ट किया मतलब लोगों का? हाँ, सपोर्ट किया मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, दौड़ धूप के पैरवी किया जो मेरे स्तर के थे, कुछ लोगों को मैंने किट वगैरह देकर उनकी मदद भी कराई, गांव में पूरे सैनिटाइजर करा दिया, मास्क का वितरण किया, ये सब कार्य मेरे द्वारा बराबर हो रहा है, इंजेक्शन लगवाने का भी कार्य कराया है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अच्छा, सारे कार्य कराए जा रहे हैं। मई माह का जो फ्री का गल्ला था वो कूट निरीक्षक महोदय के सहयोग से उसी कोटेदार द्वारा अभी हाल में 2 दिन पहले गल्ला बांटा गया। अच्छा, लेकिन जो नगद मूल्य का गल्ला था वो पूरे महीने का लेस होगा, जिससे गांव में काफ़ी आक्रोश। तो ये बताइए कि जीत हासिल करने के बाद आप मतलब हमने सुना है कि आप उसके अगले दिन से ही कार्यरत में मतलब काफ़ी गाँव के विकास में आपने कार्य करने लगे हैं, तो गाँव वाले की क्या अपेक्षा है आपसे?
गाँव वाली की अपेक्षा है कि जो 5 साल में सड़कें टूट गई उसकी मरम्मत हो, जो नाली टूट गई वो नाली बन जाए। यही सब समस्या, कुछ बचे हुए लोग हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिला है वो मिल जाए, कुछ वृद्धा विकलांग पेंशन है वो मिल जाए, और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में लाभ चाहते हैं जो आप लोगों के सहयोग से उन्हें पूरी कोशिश की जाएगी, कराया जाए। तो देखा आपने कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हमारे भटवजा के प्रधान जी थे और इन्होंने ऐसे कई विकास कार्य किए हैं जो गाँव के सभी लोगों के ऊपर एक अनोखा छाप छोड़ बैठे हैं लोग, और गांव की यही एक मतलब सबकी मिल क्योंकि इच्छा ये है कि ये गांव का विकास ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हम भी इनसे परिचित पहले से ही परिचित हैं और काफ़ी इनका नाम चर्चित था। अगर गांव के प्रधान ये नहीं भी थे तब भी गांव के विकास में ये कार्य करते रहते थे। मैं कृष्णा शर्मा, फास्ट मीडिया से कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ।